सुबह जब हमारी डिस्कशन हो रही थी तो बड़ी मुद्दे वाली जो बात थी वो ये निकल के आई थी कि कार्तिक आर्यन जिस तरीके का आज इक्विटी बना के बैठा हुआ, तो उसकी मूवी को ओपनिंग कितनी ज्यादा मिलनी चाहिए? क्या ये इतना बड़ा स्टार हो चुका है कि इसको डबल डिजिट की ओपनिंग मिलनी चाहिए? क्या इसकी कुछ ऐसी हिट्स आ चुकी हैं कि इक्विटी बिल्कुल स्काई हाई है? क्योंकि लास्ट मूवी जो थी वो तो ही अल्लाह वेंकुटापुरम बोलो की कॉपी, तो वो तो ज्यादा चली नहीं और ज्यादा अप्रिशिएट भी नहीं हुई एक्टिंग वाइज भी, और कुछ लोगों को ये थोड़ा अक्षय कुमार की एक्टिंग की हल्की फुल्की कॉपी करता हुआ उसकी झलक भी दिखती है, तो ओरिजिनलिटी की भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तीसरा, कुछ लोगों को एटीट्यूड की भी प्रॉब्लम है। बट मेरा मानना ये है कि ये सारी चीज़ें फिक्सेबल हैं, ये फिक्स हो जाता है। जब नया आदमी स्टार आता है तो वो अपनी जगह बनाने के लिए कुछ कुछ इधर उधर से चीज़ें सीखता है या फिर किसी को कॉपी करने की कोशिश करता है, फिर अल्टीमेटली वो अपने जोन में चला जाता है, तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। अदरवाइज अभी जो कर रहा है वो ठीक ही कर रहा है। एरोगेंस का जो थोड़ा मामला है वो देखना पड़ेगा। बट अगर हम ये बात करें कि इसकी ओपनिंग किस तरीके की होनी चाहिए, मेरे समझ के हिसाब से उसने इतनी इक्विटी तो कमा ली है कि उसकी ओपनिंग अच्छी लगनी चाहिए। तो सत्यप्रेम की जो कथा है जिसके अंदर कार्तिक आर्यन है, कियारा आडवाणी है, दोनों ही वेल एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं आज की जनरेशन के हिसाब से, तो मोटा मोटा लेवल पे उनका जो ओपनिंग होना चाहिए वो डबल डिजिट में आना चाहिए, 10 से 12-14 करोड़ रुपए, सरप्राइजिंगली 15 करोड़ तक जाना चाहिए। जो बड़े स्टार्स हैं उनका और आना चाहिए, 20 करोड़ से ऊपर जाना चाहिए, जैसे कि सलमान खान, शाहरुख खान एक्सेट्रा, अजय देवगन, बट इनकी भी मूवी टचिंग 10 करोड़ रुपीज होनी चाहिए। अब उसके लिए क्या जरूरी है कि आपका जो एडवांस बुकिंग वो 4-4.5 करोड़ रुपए के आसपास टच करे, बट जो एडवांस बुकिंग अभी तक आई है वो 1.75 करोड़ रुपीस आई है, जिसके अंदर 200 रुपए की एवरेज टिकट वैल्यू है, जो कि ज्यादा नहीं है, छुट्टी वाला दिन है, और एट द सेम टाइम सिर्फ 75,000 टिकटें बिकी हैं, जिसके अंदर बल्क टिकट बुकिंग ज्यादा है। तो होपफुली वॉकिंस ज्यादा होंगे कल, लेकिन वॉकिंग का अगर मैं 4 का मल्टीप्लायर ला भी लूँ तो 2 करोड़ पे 8 से 9 करोड़ रुपए हो रहा है, तो जो डबल डिजिट वाला मामला थोड़ा सा डाइसी लग रहा है इस टाइम पे, और जो इनिशियल एस्टिमेट था 12 करोड़ रुपए का वो नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। अभी का जो एस्टिमेट है कि ये ओपन करेगी 8 करोड़ रुपए के आसपास, तो डे वन का जो कलेक्शन है जो एंटिसिपेट किया जा रहा था उससे कम है। तो आपका क्या मानना है कि ये जो पुअर तो नहीं बोलेंगे लेकिन बिलो एवरेज जो ये एडवांस बुकिंग है ये क्यों है? ये क्या पुअर मार्केटिंग की वजह से है? क्या कार्तिक आर्यन का कोई इशू है? क्या इस स्टोरी का कुछ इशू है कि लोगों ने ऐसा पहले देख रखा है और उनको ये नहीं पता कि हमें ये मूवी क्यों देखनी है, या फिर और कुछ रीज़न है? आपको क्या लगता है कि कॉमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि ये जो सिलसिला है जिस तरीके से प्रमोट हुई है, जिस सिलसिले से ये अभी तक लोगों की नज़र में आई है, चाहे वो गाने हों चाहे जो भी हो, उसमें और ज़्यादा काम हो सकता था। ऐसा नहीं है कि ये पिच परफेक्ट मार्केट हुई है, ये मेरा पर्सनल मानना है, लेकिन आपका ओपिनियन क्या है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, वो ज़रूर बताना। देखते हैं बाकी कितना इसको डे वन का ओपनिंग मिलता है, अगर वो भी अगर आप थोड़ा बहुत एस्टिमेट लगा सकते हैं कि अभी की एडवांस बुकिंग के हिसाब से, विच इज़ 1.75 crore, आपको क्या लगता है कि कितनी होगी, कॉमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय।